सावित्री चौधरी अपनी कहानी पढ़ रही हूँ, जिसका शीर्षक है आंच। वैदेही का कलेजा कांप रहा है अशुभ की आशंका से, अंधेरा सा छा रहा है आंखों के आगे। वह अपने कमरे में जैसे तैसे पहुंची और पलंग पर बैठकर रोने लगी। लोकेश उसकी वैवाहिक जिंदगी तबाह करने के इरादे से ही आया दिखता है, उसकी सासू जी के कान भरने के लिए। लोकेश के साथ अफेयर की बात जान गई है सासू जी। अब वह लोकेश को मेरे लिखे हुए लव लेटर दिखाकर बेटे को भड़काएगी। बेटा, हम तो इस चरित्रहीन को नहीं रखेंगे, जितनी जल्दी हो सके इस बदचलन को तलाक दे देना चाहिए। पंकज शाम को कंपनी से आज जल्दी आ गया था एक मित्र की सगाई के समारोह में जाने के लिए, पर नववधू का उतरा उदास चेहरा देखकर वह चकरा गया। वैदेही, क्या बात है, कैसे इतनी नर्वस लग रही हो, उसने चिंता भाव से पूछा। कोई बात नहीं, एकदम ठीक हूँ मैं तो, उसने तनिक मुस्कुराते हुए बताया। पंकज ने उसे जल्दी तैयार होने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, आज नहीं, हम तो विवाह में ही जाएंगे। कहीं टेम्परेचर तो नहीं हो रहा है तुम्हारे, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। पर उसका हाथ तो एकदम ठंडा था। उसने माँ को आवाज दी, क्या बात है बेटा, मुझे क्यों बुलाया? कमरे से बाहर आते हुए माँ ने पूछा, वैदेही बीमार सी कैसे लग रही है, क्या हुआ है इसे? सुबह मैं ऑफिस जा रहा था तब तो खूब हंस बोल रही थी, फिर अब वह इतनी गुमसुम डरी डरी सी कैसे लग रही है? कुछ भी नहीं हुआ बेटा, बस इसे तो पीहर वालों की याद सता रही है। ऐसा कर, आज तुम दोनों सगाई समारोह में जाने की बजाय कहीं और घूम फिर आओ। रात आधी ढल चुकी है किंतु वैदेही की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हृदय से विवाह होने की प्रसन्नता, सारी चंचलता, सारी सरसता विदा हो गई थी। जैसे आने वाले तूफान ने उसे भयभीत कर रखा था बुरी तरह से, जबकि पंकज तो नींद में बेसुध हो रहा था। वह धीरे से पलंग से उठी और आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोलकर आंगन में आ गई। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, न जाने उसकी नजरें कहाँ गुम हो गई थी, न जाने मन में कितनी ही चिंताएं रह रहकर उसके हृदय को मथ रही थी। सासू जी के कमरे की लाइट जली देखकर वह जान गई कि वे भी जाग रही हैं। तभी तो उसे उनकी धीमी सी आवाज सुनाई दी, बहू जरा इधर आना। हृदय में एक महाप्रलय का भय लिए वह उनके कमरे में सहमी सी गई। उसको पलंग के पास पड़ी साइड टेबल पर बैठने की कहकर उन्होंने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके पास कुर्सी पर खुद बैठ गई। दोपहर में पोस्टमैन एक भारी सा लिफाफा उन्हें दे गया था, जिसे देखकर उन्होंने सोचा कि इसमें काफी कागज पत्र है। बेटे के नाम आए उस लिफाफे को उन्होंने हैरत के मारे खोल ही लिया कि इसमें इतने सारे कौन से कागज पत्रों का पुलंदा है। लिफाफे में कई लव लेटर थे, सभी पत्र एक ही लड़के के नाम लिखे हुए थे। वे अपने कमरे में जाकर उन पत्रों को पढ़ने लगी। हरेक लव लेटर के अंत में लिखा हुआ था, तुम्हारी वैदेही। उन पत्रों में वैदेही ने लोकेश नाम के लड़के के प्रति गहरा प्रेम भाव दर्शाया हुआ था, जैसे कि वह उसके दिल की मलिका है और उसी से ही विवाह करेगी, उसकी न हो सकी तो जिंदा न रहेगी। वे उन पत्रों को पढ़कर गहरे सोच और चिंता में डूब गई। वैदेही अब तो उनके इकलौते पुत्र की बहू है, 10 दिन ही तो हुए इनके विवाह को। वे अच्छी तरह से समझ गई थी कि उनकी बहू विवाह से पहले साथ पढ़ने वाले लोकेश नाम के लड़के को चाहती थी, उसको ही ये प्रेम पत्र लिखे हैं। अब इन पत्रों को उस लोफर लड़के ने मेरे बेटे बहू की रचने बसने वाली गृहस्थी में शक के कांटे रोपने के इरादे से भेजे हैं।
यदि पंकज को इन पत्रों का पता चल जाएगा कि वैदेही अपने सहपाठी से प्यार करती थी, लव लेटर लिखती थी, तो उसका विश्वास इससे उठ जाएगा और इसे जरूर ही तलाक दे देगा। पति को तो पत्नी पर झूठा ही शक संदेह हो जाए तो भी बिचारी का जीना दूभर कर देता है। उसके पति को सास, जिठानी और ननद भी भड़काती है, उकसाती है और शह देती है। जबकि घर की महिलाओं को तो चाहिए कि बहू बेटी का पक्ष ले, उसकी हिमायत करे, तो पुरुष की क्या मजाल है कि ना समझी में, नादानी में हुई भूल, गलती के लिए पत्नी को मारे पीटे या घर से ही निकाल सके। वैदेही से बदला लेने, उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद करने की ठान ली उसने और ये प्रेम पत्र डाक से मेरे बेटे के पास भेज दिए। उसके साथ वैदेही का विवाह न हो सका तो दुश्मन बन गया इसका। उस मूर्ख ने यह नहीं सोचा कि जन्म, विवाह और मृत्यु तो संयोग पर निर्भर है। प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख दिया वही होता है। ये सब सोचते हुए उन्होंने उन पत्रों को समेट लिया और आवाज दी, बहू यहाँ आना। वे मरी चाल से भयभीत होकर कमरे में दाखिल हुई। वे उसके देवी से रूप को निहारने लगी। मुस्कुराती हुई छवि, हसमुख स्वभाव, निर्मल आंखें, गृह कार्यों में कुशल, अंग्रेजी में एमए है, फिर भी अहंकार नहीं है जरा भी। बोलती है तो जैसे फूल झर रहे हैं, हंसती है तो मानो घुंघरू बज रहे हैं। कितने अदब से रहती है, मेरा कितना ध्यान रखती है, ऐसी सुलक्षणा बहू तो बड़े सौभाग्य से मिलती है। माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है, उसने डूबते कांपते स्वर में पूछा। बहू इन पत्रों को देख तो, बहुत ही आत्मीयता से कहते हुए उन्होंने सारे लव लेटर उसको पकड़ा दिए। उन पत्रों को देखते ही उसे चक्कर सा आ गया। हाय, अब क्या होगा, यह सोचकर उसके होश उड़ गए और हाथ कांपने से कई पत्र फिसल कर जमीन पर फैल गए। बहू ये लव लेटर तुमने लिखे थे, उन्होंने बहुत ही धीरे से पूछा। वे कुछ भी न बोल सकी, रंगे हाथों पकड़े गए अपराधी की तरह नजरें झुका ली, चेहरे पर कालीमा छा गई। कौन है ये लड़का, लोकेश, कोई जवाब नहीं। वह तो अपने कसूर पर जैसे जमीन में धंसी जा रही थी, उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, टप टप टप। बहू अब तुम जाओ, उन्होंने बड़े स्नेह भाव से उसके आंसू पोंछे अपनी साड़ी के पल्ले से और उसके हाथों को बड़े प्यार से थामते हुए शहद भरे शब्दों में कहा, रो क्यों रही हो बहू, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, तुम्हारी हिमायती। बहू अपने कमरे की ओर जाने लगी तो उन्होंने धीरे से कहा, बहू मैं जानती हूँ, समझ रही हूँ कि दोपहर से तुम्हारे प्राण सूली पर टंगे हुए हैं, हृदय में पछतावे और पश्चाताप का बवंडर फूफा रहा होगा, पर डरो मत कतई, मैं बेटे को कुछ भी नहीं बताऊंगी कभी भी। रात गई बात गई, गड़े मुर्दे निकालने से सिवाय हानि के लाभ नहीं है तनिक भी। मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा तुम्हें बहुत ही चाहता है, तुम दोनों बहुत खुश हो, तुम्हारा दिन हंसते हंसते और रातें मुस्कुराते खिलखिलाते हुए बीतती जा रही है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी बहू कि तुम दोनों का मन फट जाए शक संदेह के जहर से, कहकर वे चुप हो गई। कुछ क्षण बाद फिर पास में बैठी बहू की पीठ को ममता भाव से सहलाते हुए बताया, इन पत्रों को मैं अभी जला दूंगी, ना समझी की उम्र में तुम्हारे से हुई गलती का नाम निशान मिटा दूंगी मैं तो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। थोड़ी सी पड़ी हुई है सासू जी, पर है बड़ी समझदार। वे इस उस महिला को यही शिक्षा देती है, प्रेरित करती है कि बेटे की बहू को सगी बेटी ही समझना चाहिए, तभी बुढ़ापा सुख शांति से बीत सकता है। घर घर में यदि महिलाएं वैदेही की सासू जी की तरह बहू के अतीत की गलती को रफा दफा कर उसका पक्ष ले, उसके पति को लताड़े डांटे फटकारे, तो उसकी हिम्मत न होगी कि पत्नी को मारे पीटे या सता सके। घर से निकालने की धमकी तो वह दे ही नहीं सकता, किंतु
महिलाएं तो पति पत्नी के आपसी झगड़े में समझौता कराने की बजाय पति को भड़काने में ही अपनी शान समझती है। शोषित पीड़ित महिला को ही बुरी झगड़ालू बताते हुए उन्हें लज्जा नहीं आती। तलाकशुदा हो या पति के अत्याचार से पीड़ित हो महिला, उसे पढ़ी लिखी महिलाएं भी ताना देने से बाज नहीं आती, उसके रहन सहन पर भी छींटा कशी करती रहती हैं। यह बात महिला वर्ग के लिए बहुत शर्मनाक है। जब तक एक महिला दूसरी पीड़ित शोषित महिला की हिमायत करना अपना विशेष दायित्व नहीं समझेगी, तब तक पति और गैर पुरुष भी बात बात पर उसे अपमानित करता ही रहेगा, जैसे युगों युगों से पुरुष वर्ग करता आ रहा है। वैदेही ने धीरे से अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर की। सासू जी से नजरें मिली, उनकी आंखों में असीम प्यार और हमदर्दी के भाव देखकर उसका हृदय हर्ष के मारे जैसे नाच उठा। उतरे उदास चेहरे पर छाई काली घटा एकदम लोप हो गई और चेहरा सुख शांति के अपार संतोष से खिल गया फूल की तरह। आंखों से खुशी के आंसू बरसने लगे। वह क्षमा की देवी सासू जी के पांव से लिपट गई। माँ जी, आपके इस एहसान को, इस क्षमादान को मरते दम तक भी नहीं भूल सकूंगी मैं तो। यदि आप अपने बेटे को मेरे लिखे ये लव लेटर दिखा देती तो दुख और शर्मिंदगी के मारे मर जाती मैं तो। आपका बेटा जी भर मेरा अपमान कर मुझे जरूर जरूर तलाक दे देता, मेरा जीवन ही वीरान हो जाता हर तरह से। महिलाएं मुझे उल्टा कुल कनकनी के ताने देती, पिकारती हुई बदनाम कर देती दुनिया भर में। मेरे मम्मी पापा जी का सिर शर्म से झुक जाता, वे समाज के सामने कभी भी ऊंचा मुंह करके नहीं चल सकते थे, पर आपने तो अकेली नहीं मेरे सीने से दुख भय और जीवन बर्बाद होने की चिंता शर्म के हिमालय को अतीत की गहरी घाटी में लुटका दिया और मेरी आबरू पर आंच न आने दी तनिक भी। मारे प्रसन्नता के बहू ये सब बातें कहकर ही चुप हुई तो सासू जी ने उसे अपने पांव की पकड़ से छुड़ाकर आत्मीयता से अपने सीने से लगा लिया।